ईश्वर की रजा शामिल होती है। तो निकाह से जो रिश्ता वजूद में आता है वो बहुत ही मजबूत होता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेडिंग सीज़न चल रहा है और ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ये वेडिंग के लिए किया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में हम बारात गए थे और बारात का व्यू दिखाया था आपको, लेकिन आज हमारे गांव में अबलोरा भाई और तलाब भाई की सिस्टर की शादी है और बारात आ रही है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, गांव की शादी और बारात की मेहमान नवाजी का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी बारात आ गई है और बारात की मेहमान नवाजी भाई। सबसे पहला प्रोसेस पानी पिलाने वाला शुरू हो गया है। और ये है साइड का एरिया जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारातियों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप चीज़ें देख रहे होंगे। तुम्हारी शादी इसके बाद है? नहीं नहीं मेरी। ये सद्दाम भाई की एंट्री अभी हुई है। सद्दाम भाई अगर कुछ बोलेगा नहीं तो वीडियो मजा नहीं आएगा। जस्ट लाइक वाह, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी निकाह की तैयारी की जा रही है और दूल्हे साहब बैठे हुए हैं। दोस्तों अभी निकाह शुरू होने जा रहा है और निकाह से रिलेटेड, निकाह से मुतालिक मौलाना अदीम साहब ने बहुत ही प्यारी बातें बताई। आप लोगों से गुजारिश है कि उन सब बातों को बहुत ही ध्यान से आप सुने और अपनी दुनियावी ज़िंदगी में अमल में लाने की कोशिश करें। निकाह से पहले चंद बातें जो निकाह में खुतबे के अंदर आयात पढ़ी जाती है, हदीस पढ़ी जाती है, उसकी रोशनी में दो तीन मिनट आप बड़ा पसंद है, उसकी वजाहत कर ली जाए ताकि निकाह की अहमियत और उसके बदबूत का अंदाजा। निकाह एक इंसानी ज़रूरत है और यह अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। निकाह के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है वो ये है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा शामिल होती है। निकाह से जो रिश्ता वजूद में आता है वो बहुत ही मजबूत होता है और बहुत बाबरकत होता है। इससे नस्लों की हिफाजत होती है, असब नस्ल की हिफाजत होती है, जिसका तसव्वुर सिर्फ इस्लाम के अंदर है, बाकी किसी मज़हब के अंदर नहीं है। इसीलिए इस्लाम में निकाह को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद फरमाई कि निकाह करो, निकाह को आसान बनाओ ताकि लोग गुनाहों से बचें। तो निकाह कि जब मजलिस लगती है तो खाना पीना, बारात, निकाह का हो जाना एक खुशी का मौका होता है, माहौल होता है। इस मौके पे हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि निकाह के मकासद क्या है। तो ये जो भी आयात इसके अंदर तिलावत की जाती हैं, कुरान करीम की तीन चार आयतें हैं जो पढ़ी जाती हैं मुख्तलिफ जगहों से, उन तमाम आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक चीज़ को बार बार रिपीट करता है कि तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा यानी अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर एक दिल की कैफियत है कि इंसान तन्हाई में रहे तब भी गुनाहों से बचे, बाज़ारों में रहे तब भी गुनाहों से बचे, जहाँ कहीं भी रहे अपने आप को गुनाहों से बचाए। तो ख़ास तौर पर इस चीज़ की ताकीद बार बार की जाती है और एक एक चीज़ को बार बार कहा जाता है ताकि बंदा उसके ऊपर सोचे, गौर व फ़िक्र करे। एक दूसरी अहम चीज़ ये होती है कि मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत और कुव्वत वाला बनाया। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अर्रिजाल कवामून अला निसा बिमा फद्दलल्लाह, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के मुकाबले में ज़िम्मेदार बनाया, उनका निगरान बनाया। तो अब मर्दों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी रख दी। आज अगर निकाह होता है तो कल से इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
और ये ज़िम्मेदारी एक दिन दो दिन एक माह की नहीं होती, पूरी ज़िंदगी की एक ज़िम्मेदारी रहती है। जब तक बंदा ज़मीन के ऊपर चल रहा है इस ज़िम्मेदारी को निभाना है, तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, बहुत बड़ा बोझ इंसान के कांधों पर रखा जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को इस काबिल बनाया है कि वह इस बोझ को आसानी से लेकर के चल सकें। इस रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि हम सही फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को सामने रख करके और हर तरह के परेशानियों को, हर तरह के आजमाइशों को झेलने का हमारे अंदर मादा हो और इन तमाम चीज़ों को हम अंगेज करते हुए एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, ताकि हमारी नस्लें बेहतरीन नस्ल तैयार हो और अच्छी तरबियत हम उनकी कर सकें, एक अच्छा ख़ानदान वजूद में आ सके। यही निकाह का एक अहम मकसद होता है, जिसका तذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے زبان کے اوپر خاص طور پر تاکید فرمائی کہ جب بھی کوئی بات بولو تو اچھی بات بولو، اس لیے کہ لڑائی جھگڑے کی جو نوبت آتی ہے یا آپس میں بدگمانیاں جو پیدا ہوتی ہیں، پھر زبان کے ذریعے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور دھیرے دھیرے لڑائی جھگڑا خاندان کے اندر بڑھ جاتا ہے، گاؤں میں بڑھ جاتا ہے اور شہروں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو زبان کو بہت ہی کنٹرول میں رکھنا اور اس میں سلوک کا معاملہ کرنا، اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا، اچھے انداز سے بات چیت کرنا، یہ تمام چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو فروغ دیں، زیادہ سے زیادہ نکاح کریں، اور عمر ہو جائے تو سب سے پہلے نکاح کو فکر کرنی چاہیے، تاکہ بندہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم جناب شیخ محمد طارق ابن جناب نیاز احمد صاحب پٹلہ، ہمراہ محترمہ لکڑا ریاض، ان کے جناب ریاض الدین صاحب مرحوم سکھی شاہ محمد کو ہمارے معجل سونے کا ایک عدد لاتے جس کی قیمت 43,200 روپے، گواہان جناب عبدالرحمٰن صاحب ابن جناب محمد زکریہ صاحب نور الدین کو، جناب عبدالقیوم صاحب ابن جناب سراج الدین صاحب مرحوم سکھی ہے، اور تمام حاضرین کی موجودگی میں حیثیت وکیل میں نے آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ الحمد للہ عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لوہان میں جناب عبدالرحمٰن صاحب اور جناب عزیز الدین صاحب اور باقی تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ نے کہا ملیا کہ آپ نے قبول کیا۔ ابھی نکاح ہو چکا ہے اور اس کے بعد نکاح کے بعد تبرک بانٹا جائے گا، تو ابھی سبھی لوگ تبرک بانٹ رہے ہیں نکاح کی خوشی میں۔ دوستو ابھی نکاح ہو چکا ہے اور نکاح کے بعد کھانا کھلایا جائے گا، باراتی مہمان جو لوگ بھی بچے ہوں گے ان سبھی لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ تو دوستو یہ ہے گاؤں کی شادی، یہی پروسیس ہوتا ہے ہمارے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں میں۔ پہلے باراتی آتے ہیں، انہیں پانی پلایا جاتا ہے اور انہیں پھر اس نکاح ہوتا ہے، نکاح کا پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سبھی باراتیوں گھراتیوں سبھی لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ बाबू आ रहे तो आप कहाँ भागे थे मैं? हाँ यूट्यूब वाली है। फरहान है कितना? उकाले उकाले उकाले। फरहान। लेक फरहान का लेक फोटो अलग आ जाएगा। फोटो ना वीडियो लेते हैं फरहान की। नदीमो बाइक ले लो जा नदीम भाई। बस लास्ट है। हाँ
Thank you.